नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में गोरखपुर जिला व महाराजगंज के नगर पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षक क्षेत्रीय अध्यक्ष सज्जिदानंद राय की अध्यक्षता में सकुशल हुआ संपन्न। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सज्जिदानंद राय ने नगर पंचायत सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, इसलिए सभी नगर पंचायत सदस्य पार्षद प्रधान मिलकर शासन की योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें और जिन लोगों ने योजनाओं का लाभ नहीं लिया है उनको चिन्हित करके योजनाओं का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि सबको योजनाओं का लाभ मिले, जिससे सबका साथ और सबका विकास हो सके। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, जनार्दन तिवारी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी बच्चा पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस नाते हम सब यहाँ जो उपस्थित हैं, एक जनप्रतिनिधि के नाते हमें समाज जीवन में कैसे रहना चाहिए, हम अपने क्षेत्र के लिए कैसे काम करें, इन सारे उस विषय को आप साथ करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन कार्यकर्ता मित्रों, हम एक राजनीतिक जीवन, हम 2014 में भी उत्तर प्रदेश में जब आम चुनाव हुआ था तो जो हमारे दो भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध मोहम्मद की सरकार, और 2019 में भी हम भूमिका अलग है, और उसके साथ साथ अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी भूमिका कहीं अलग भी है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये पहली बार, अभी पीछे के दिनों में हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिला पंचायत अध्यक्षों का, पूरे देश भर के जिला पंचायत अध्यक्षों का प्रशिक्षण हमारे वहां क्या नाम है, सूरत हरियाणा में प्रारंभ हुआ। उसके बाद सभी हमारे जिला पंचायत सदस्यों का हर क्षेत्रवार हम लोगों ने प्रशिक्षण वर्ग अपने गोरखपुर क्षेत्र का कुशीनगर में हमने कराया। हमारे जो नगरीय निकाय, जो नगर निगम के हमारे सभी सम्मानित पार्षद हैं, वो गोरखपुर अवध का संयुक्त रूप से लखनऊ में हुआ था। हमारे गोरखपुर या गोरखपुर के सभी नगर निकाय के पार्षद, 42 पार्षद वो उस प्रशिक्षण वर्ग में गए थे। आगे के क्रम में जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने तय किया था कि हम सभी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के सभी सम्मानित हमारे जो पार्षदगण हैं, उनको हम अलग अलग क्षेत्रों में उसकी संख्या निर्धारित है, उसके आधार पर अभी कल के दिन आजमगढ़ कमिश्नरी का बलिया में और देवरिया और कुशीनगर का देवरिया में प्रारंभ हुआ। आज हम सब गोरखपुर और महाराजगंज के सभी सम्मानित पार्षदों का प्रशिक्षण वर्ग गोरखपुर में और संत कबीरनगर बस्ती और सिद्धार्थनगर का सिद्धार्थनगर में प्रारंभ हुआ। इस कड़ी में आज हम सब उपस्थित हैं और हम सबकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा है कि आज के इस विषय में, आज का जो हम सबके सामने जिला अध्यक्ष जी का और हमारा जो प्रदेश नेतृत्व ने प्रथम सत्र में जो विषय तय किया है कि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, आप सब जानते हैं कि विगत 2014 से जब आप सब कार्यकर्ता के रूप में अथक परिश्रम और उसके कारण आप सबके आशीर्वाद के कारण 2014 में भारत की सरकार बनी और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मुझे लगता है कि उस समय नए भारत के निर्माण का जो योगदान है, उस योगदान में अगर उस स्वर्णिम अक्षरों में उसको जब लिखा जाएगा, यहाँ उपस्थित हमारे सभी जनपद में छठ पर्व को देखते हुए नागरिकों के द्वारा राप्ती नदी के किनारे वेदी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद में 19 नवंबर की शाम व 20 नवंबर की सुबह छठ का पर्व मनाया जाएगा। वहीं नागरिकों के द्वारा घाटों पर वेदी बनाया जा रहा है, जिससे कि वो छठ पर्व मना सकें। वहीं इस संबंध में नागरिकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग हर वर्ष छठ का पर्व महापर्व मनाते हैं, जिसको देखते हुए हम वेदी बना रहे हैं और इस वेदी को सजाएंगे, जिससे हम लोग छठ पूजा कर सकें, क्योंकि छठ मैया सबकी मुराद करती हैं। इस संबंध में गोरखपुर नी से बात करते हुए वेदी बनाने वाले नागरिकों ने कहा। हाँ जी सर, हर साल की बात, इस साल भी
भगवान सूर्य भास्कर के उपलक्ष्य में जो छठ का पर्व आता है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, इसके को देखते हुए जो ये कर्मचारीगण लगे हुए हैं इसको साफ सफाई कर रहे हैं ठीक ठाक, और हम लोग भी अपना अपना जो जगह है चुनाव कर रहे हैं कि छठ के दिन उसको यहाँ पर आके बहुत विधिवत पूजा करें और सारे विश्व की कामना, देश की कामना, प्रदेश की कामना यहाँ से कर सकें, यही हम लोगों का मतलब कि वो मानसिक वो है। हर साल मनाते हैं आप लोग? जी हर साल की, हाँ हर साल मनाते हैं, यहाँ पर आते हैं और इस साल भी आ रहे हैं। क्या किस लिए किया जाता है पूजा? ये भगवान सूर्य का एक पर्व है, भगवान सूर्य को ही एक पूजा माना जाता है, और इसकी कालांतर में जाएंगे तो बहुत विधिवत अलग अलग कथाएं हैं जो कि पूरा ज्ञात नहीं है, पर यही है कि ये सूर्य भगवान आज के दिन पूजा करने से वो प्रसन्न होते हैं। मेरा जनपद में छठ पर्व को देखते हुए नगर निगम के द्वारा सभी छठ घाटों की साफ सफाई करवाया गया। आपको बता दें कि जनपद में 19 नवंबर की शाम व 20 नवंबर की सुबह आस्था के महापर्व छठ का पर्व मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए नगर निगम के द्वारा सभी छठ घाटों की साफ सफाई करवाया जा रहा है। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सगरवाल ने बताया कि छठ को देखते हुए शासन द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, उसी को देखते हुए नगर निगम के द्वारा जैसी व्यवस्था होती उसी तर्ज पर नगर निगम की पूरी टीम तैयार कर रही है, जिसमें छठ घाटों का विशेष साफ सफाई अभियान चलाकर साफ करवाया जा रहा है। वहां पर बैरिकेटिंग की जा रही है जिससे कि किसी भी घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि महानगर में 80 वार्ड हैं, इन 80 वार्ड के छोटे छोटे तालाबों पर छठ पर्व का आयोजन होता है, वहां पर भी वार्ड के साफ सफाई कर्मचारी साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा आयोजन राजघाट हनुमानगढ़ी तकिया घाट पर सबसे ज़्यादा पब्लिक की भीड़ होती है, वहां सबसे ज़्यादा कर्मचारी लगाकर साफ करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने छठ घाटों पर निर्माण की स्वीकृति दे दी गई थी, जिसको देखते हुए सभी निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। हमारी नगर निगम की टीमें निरीक्षण कर साफ सफाई का जायजा ले रही हैं। यदि किसी पार्षद या नागरिक के द्वारा कोई सुझाव आ रहा है तो उस पर भी कार्य किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि जिस तरह दशहरा दिवाली का पर्व संपन्न हुआ उसी तर्ज पर छठ पर्व भी संपन्न होगा। सभी घाटों का पर्याप्त मात्रा के लाइट लगाने के लिए निर्देश दे दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर नीज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सगरवाल ने कहा, छठ त्यौहार के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं, शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसी के अंतर्गत विगत वर्षों में जैसी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा होती है उसके अनुरूप ही इस वर्ष भी हम बेहतर तरीके से छठ पर्व को आयोजन हेतु नगर निगम की पूरी टीम तैयारी कर रही है। खास तौर पर छठ घाटों की साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खास इसके अतिरिक्त सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बैरिकेटिंग पर्याप्त की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अलावा जितनी भी विभिन्न हमारे जो वार्ड हैं, 80 वार्ड हैं, 80 वार्डों में विभिन्न छोटे छोटे तालाबों पर भी छठ घाट का आयोजन होता है, उसको लेके भी नगर निगम की टीम प्रयासरत है। साथ ही साथ जो मेन हमारे आयोजन होते हैं, चाहे वो राजघाट का हो, हनुमानगढ़ी हो, और भी जो मेन घाट हैं उन घाटों पे भी वृहद स्तर पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है साफ़ सफाई हेतु। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे कुछ कार्य होना है छठ घाटों को निर्माण को लेके, उसमें हमने पिछले महीने ही उन सब के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे दी थी, जिसके अंतर्गत छठ के पर्व पर किसी प्रकार की कोई असावधानी ना हो। इसके अलावा भी लगातार हमारी 5 टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं, डेडिकेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से इसका निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ किसी भी कोई भी सुझाव अगर आ रहा है, चाहे माननीय पार्षद के हों, चाहे हमारे अन्य अधिकारियों के हों, उनको भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त छठ पर्व को लेकर वृहद स्तर पर लाइटिंग व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, साथ ही साथ इस बार स्वच्छ घाट की जो प्रतिस्पर्धा हो रही है उसको लेकर भी नगर निगम तैयार है। घाट के विशेष तौर पर राजघाट को हम एक स्वच्छ घाट, सुंदर घाट के प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नगर निगम गोरखपुर इस बार स्वच्छ घाट और स्वच्छ त्यौहार को लेके प्रतिबद्ध है। जिस तरीके से दशहरा दिवाली हमने संपन्न कराए, उसी तरीके से छठ का पर्व भी संपन्न कराए। जनपद में बुधवार को मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं का गाजे बाजे के साथ नगर निगम के द्वारा राप्ती नदी के किनारे बनाए गए कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि मंगलवार से ही मां लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है, जिसमें 250 प्रतिमा का विसर्जन मंगलवार को किया गया, बाकी मां की प्रतिमा का विसर्जन बुधवार को किया गया, जिसमें मां के भक्त मां की प्रतिमाओं को रथ पर रखकर फूल से सजाकर गाजे बाजे के साथ व डीजे गाने पर नाचते हुए तालाब तक पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां की आरती उतारकर प्रतिमाओं का तालाब में विसर्जन किया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मूर्तियों के साथ बीट कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि पूरे रास्ते मां की प्रतिमा के साथ तालाब तक पहुंचे और प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद वहां से गए। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा प्रतिमाओं को तालाब से निकालकर साफ कर रहे हैं, जिससे कि प्रतिमाओं के विसर्जन में किसी तरह की दिक्कत न हो।
कपड़ा हटा रहे, पढ़ लिखा जाना चेहरे पर से, खड़ा करो, चेहरा दिखाओ, हट जाओ। लक्ष्मी भैया आपके, लक्ष्मी भैया आपके। नवीन महवा मंडी में छठ पर्व को देखते हुए फलों की जमकर बिक्री हो रही है, जिसके संबंध में मंडी सचिव रजित राम वर्मा ने बताया कि छठ को देखते हुए मंडी में फलों की बिक्री बढ़ गई है। भारी मात्रा में लोग फलों की खरीदारी कर रहे हैं। इस समय नए फल आए हुए हैं, जिसमें आंवला, शरीफा, सुथनी, नींबू, सिंघाड़ा, गंजी, गन्ना, पनियाला, शकरकंद, आम, नारियल, हल्दी का पौधा, गाजर का पौधा आया हुआ है, जिसकी जमकर बिक्री हो रही है, जो कि छठ पर्व ही आता है। इस समय बिक्री भी काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ हो गई है। लेकिन मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से भीड़ वाले जगह पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि भीड़ ना लग सके। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस जवानों की भी ड्यूटी लगाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन महवा मंडी के सचिव रजित राम वर्मा ने कहा, बिक्री देखिए छठ के पर्व पर बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी मात्रा में लोग जो है फल मंगाते हैं। छठ में जो है बिक्री बढ़ जाती है। अभी तक तो आज तक तो जो है थोक की बिक्री जो है काफ़ी मात्रा में हुआ है। अब धीरे धीरे जो है कल परसों में ये केवल स्थानीय लोग ही वो करेंगे। इसमें नए फल जो है आते हैं, जो मंडी में नहीं दिखाई पड़ता है। छठ में जो है, छठ पर्व में जो है, जैसे आपका शरीफा हुआ, सुथनी हुआ, गागर नींबू हुआ, पनियाला हुआ, सिंघाड़ा, शकरकंद, तरबूजा, खरबूजा, कच्चा आम, और जो है आपका नारियल है, हल्दी का पौधा, और जो है गाजर का पौधा, अदरक का पौधा, ये सब जो है नए प्रकार के जो कभी मतलब आते ही नहीं, जो है केवल छठ पर्व में ही ये ऐसे जो है फल आ रहे हैं और काफ़ी बिक्री हो रहा है। बिक्री को लेकर क्या स्थिति? बिक्री ठीक है, बिक्री बढ़ी हुई है, जो आम समय में होता है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। सर काफ़ी भीड़ भी हो रही है, इसके लिए दृष्टिगत क्या फोर्स लगाई गई है? देखिए भीड़ तो काफ़ी बढ़ गई है। इधर जो है आपका भीड़ जो है, ये जो है मेन रोड है जो है, इस पर जो है फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ थोड़ा आने जाने में सुविधा हो रही है। तो इसमें फोर्स सुरक्षा व्यवस्था में जो पुलिस के काफ़ी फोर्स लगी हुए हैं, और ये मंडी के जो पीआरडी के जवान हैं, उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम के जवान हैं, वो भी लगे हुए हैं, स्टाफ भी लगा हुआ है। तो काफ़ी अपने उससे जो है काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था ठीक। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला GM सोमिया माथुर ने आज सुबह गोरखपुर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। GM के साथ रेलवे के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। सोमिया माथुर ने यात्रियों के ठहरने, खाने के स्थान व रेलवे स्टेशन के ऑफिस का गहनता के साथ बारीकी से निरीक्षण किया गया। यात्रियों की सुरक्षा, विश्वास संरक्षण का भी ध्यान दिया जा रहा है। छठ पर्व की दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन पर भीड़ हो रही है, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा व विषय का ध्यान रखा जा रहा है। स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे को चेक किया गया, सब ठीक ठाक पाया गया। त्यौहार के दृष्टिगत रखते हुए RPF जवानों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कल कटरा और रामघाट का निरीक्षण किया गया, वहां पर
अभी कार्य चल रहा है। वहां देखा गया कि वहां और किसी तरह की कोई जरूरत है, जो भी श्रद्धालु या यात्री आएंगे उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने कहा, गोरखपुर स्टेशन का आज जो निरीक्षण किया गया, ये खासतौर से इसलिए किया गया कि अभी आपको जैसे पता है त्योहार का समय है, भीड़ चल रही है, तो जितनी व्यवस्थाएं होने की वो सुचारू रूप से चल रही हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, टिकटिंग की हो, हमारे सीसीटीवी कैमरे जो चल रहे हैं, खान पान की जो व्यवस्था है, सब तो जो आज मैंने पाया है सब सुचारू रूप से चल रहा है। चाहे आप यात्रियों की एमिनिटीज़ को देखें, चाहे सिक्योरिटी देखें, मुझे आज सब सुरक्षा के लिए इंतज़ाम पूरे हमारा एक प्लान है। हम स्टाफ डिप्लॉय करते हैं गाड़ियों में चढ़ने के लिए, आपने देखा होगा क्यूइंग कराई जाती है ताकि भीड़ एक साथ नहीं चढ़े। बाकी जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट आरपीएफ का होता है उनका ये इस सीजन के लिए, फेस्टिवल सीजन के लिए वो प्लान रहता है। गोरखपुर में रीति चौक के पास लक्ष्मी प्रतिमा घूमने के दौरान हुए विवाद को भले ही पुलिस ने शांत करा दिया, लेकिन 40 मिनट तक विसर्जन का जुलूस थमा रहा और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। भीड़ को समझाने के लिए पुलिस को सख्ती के साथ ही मान मनोबल भी करना पड़ा। हालांकि पुलिस की सूझबूझ का ही नतीजा रहा कि बड़ा विवाद टल गया और शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। आपको बता दें कि स्कूटी सवार महिला के चोटिल होने के बाद पे विवाद के बीच किसी ने अफवाह उड़ा दी कि महिला सिपाही से विवाद हुआ है और पुलिस उत्पीड़न कर रही है। ये अफवाह आग की तरह फैल गई और आगे पीछे निकली प्रतिमाओं के जुलूस में शामिल लोग भी जुटने लगे। विवाद बढ़ता देखकर पुलिस ने सख्ती की तो एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाना शुरू किया। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए नशे में धुत युवकों को पुलिस भीड़ के सामने भी ले गई और दिखाया कि यही उत्पाती है, विसर्जन में शामिल लोग नहीं है। पुलिस ने सम्राट लोगों को आगे किया जो मामला शांत हो गया, लेकिन 40 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। महानगर में बिगड़े प्रदूषण के कारण क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिले में करीब 80,000 लोग सांस संबंधी बीमारियों की चपेट में हैं। ये कहना है कि चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अजय श्रीवास्तव और डॉक्टर SP राय का, दोनों डॉक्टरों ने विश्व COPD दिवस के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बीते एक साल में COPD के मरीजों की संख्या में करीब 25% का इजाफा हुआ है। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से लोगों को दिक्कत बढ़ी है। धूम्रपान तो केवल बड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन प्रदूषण नवजातों को भी नहीं छोड़ रहा है। जिले में 80,000 लोगों के COPD के ग्रसित होने का अनुमान है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा, मैं डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव छाती रोग विशेषज्ञ। आज वर्ल्ड COPD डे है। हर साल नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को हम वर्ल्ड COPD डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाने के लिए इस बीमारी के बारे में। ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, इसके क्या लक्षण है, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। सर, क्यों होती है, इसका बचाव क्या है? मुख्य कारण जो COPD का है वह है स्मोकिंग, कोई भी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग। COPD किसे कहते हैं? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। अब या इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज भी कहते हैं, COAD पहले पुराना नाम था, लेकिन अब इसको COPD ही कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो आमतौर से सर जैसे नॉर्मल लोग क्या कहते हैं? ये बेसिकली आम लोग इसको दमा ही कहते हैं बेसिकली, लेकिन ये दमा नहीं है, दमा से काफ़ी डिफरेंट है। ये दमा एक अच्छी बीमारी है जो कि ट्रीटमेंट देने पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन COPD का एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये समय के साथ बढ़ती रहती है और आगे चल के दिल के दाहिने हिस्से पर असर करती है। इसको बचाव के लिए क्या होता है? बचाव के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें, जहाँ तक हो सके धूल से, धुएँ से बचें, पॉल्यूशन से अपना बचाव करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साल में एक बार एनुअल चेकअप में जो आप कराते हैं, एनुअल चेकअप हर 30 से 35 साल के ऊपर के आदमी को एनुअल चेकअप कराना चाहिए। उसमें ब्लड टेस्ट है आपका, अल्ट्रासाउंड है, ECG है, इको है, इसके साथ साथ आपको चेस्ट का एक्सरे
और एक स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग, ये करवाना चाहिए। इससे कोई भी आपकी सांस की बीमारी या फेफड़े की बीमारी या सांस नलियों की प्रॉब्लम आगे चल के होने वाली होगी आपको, ये पहले ही पता लग जाएगी, उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रिवेंशन कर सकेंगे और ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकेंगे। सर इसका कोई उम्र है? जो मुख्यतः सीओपीडी यूजली 35-40 साल की उम्र के बाद ही होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इसमें चाहिए होता है, डस्ट से, धूल से, मतलब धुएं से, आपके स्मोकिंग से, लंबा पॉल्यूशन से एक्सपोजर चाहिए होता है, इसलिए यूजली 40 साल की उम्र के बाद ही होती है। कभी कभी रेयर, जिसका रेयर फॉर्म है, बच्चों में पाया जाता है, बट वो बहुत रेयर है। जो कॉमन सीओपीडी होती है वो मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज में ही होती है। इस समय जो सिस्टम चल रहा है पॉल्यूशन जैसे आप कह रहे हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए सर, पोल्यूशन लेने के लिए तो आप ये पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों को साथ में अवेयर होना पड़ेगा, साथ में स्टेप्स लेने होंगे। लोग पराली जला रहे हैं, इस पर तो उनका नियंत्रण होना चाहिए, और जो पब्लिक है वो कम से कम स्मोकिंग बंद करे, है ना। और एक अच्छी बात तो ये हुई है कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत हर घर में जो गैस पहुँच गई है गाँव में। पहले क्या होता था, हमारे पास औरतें बहुत आती थी सांस की बीमारी को लेकर के, सीओपीडी प्रॉब्लम लेकर के, क्योंकि वो चूल्हा भूखती थी तो धुएं से उनको अक्सर सीओपीडी प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन अब हर घर में गैस पहुँच गया तो एटलीस्ट जो ग्रामीण औरतें पहले आया करती थी उनकी संख्या कम हुई है, सीओपीडी की बीमारी के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो एक अच्छी चीज़ हुई है। जहाँ तक हो सके पोल्यूशन कम करना है, और हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक की तरफ, सोलर की तरफ बढ़ें, जिससे जो ऑटोमोबाइल से होने वाला पोल्यूशन उसको मिनिमाइज किया जा सके, और पराली पर नियंत्रण, जाहिर सी बात सरकारी परेशान है, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पराली को हम इसकी कोई इसका निदान इसका सरकार निकाले, किसान फिर कैसे उसको ट्रीटमेंट उसका करें। ये रोग सर कैसे पता चलता है कि आपको? मेनली तो लक्षण है इसके, सबसे पहले जो उसके लक्षण होते हैं, खांसी आना, बलगम आना, सांस फूलना, छाती में भारीपन रहना, हर साल आपको होगा ये किसी पर्टिकुलर मौसम में, या 2-3 महीने के लिए अक्सर आपको खांसी बलगम शिकायत हर साल रहेगी। फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है आप स्पायरोमेट्री, जिसको कंप्यूटर द्वारा फेफड़े जाँच कहते हैं, उससे आप काफ़ी समय पहले इसका बीमारी का पता लगा सकते हैं। और चेस्ट एक्सरे तो हम लोग इसलिए कराते हैं, कोई और साथ में बीमारी तो नहीं चल रही, निमोनिया, टीबी साथ में तो नहीं, इसलिए उसको एक्सक्लूड करने के लिए कराते हैं। जो बेसिक टेस्ट है वो क्लिनिकल सिम्टम है, जो पेशेंट को दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ स्पायरोमेट्री। अभी आप कह रहे खांसी आना, तो कितना दिन खांसी आ जाए? खांसी अक्सर ऐसे पेशेंट को कई, हर साल आप पूछेंगे हिस्ट्री तो कई बताएगा, हाँ कई सालों से हमें इसी समय, जाड़े के समय या मौसम जो बदलता है, तो हमें खांसी आती है, बलगम आता है, और ये अक्सर 2-3 महीना रहता है। आपको हिस्ट्री देगा पेशेंट, तो नहीं यू विल सस्पेक्ट कि हाँ पेशेंट को है अस्थमा और सीओपीडी, दोनों हो सकता है, तो हम उसको फिर स्पायरोमेट्री के द्वारा डिफरेंशिएट करते हैं कि अस्थमा है या सीओपीडी। छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ के दृष्टिगत बृहस्पतिवार को चेकिंग अभियान चलाया गया। जीआरपी पुलिस टीम ने यात्रियों से पूछताछ करने के साथ सामग्री आदि की भी जांच की गई, कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। जीआरपी प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान स्टेशन पर बैठे यात्रियों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने, लावारिस वस्तु मिलने पर जीआरपी व आरपीएफ को सूचित किए जाने, जहर खुरानों से सावधान रहें, किसी भी अपरिचित की ओर से दिया गया कुछ भी ना खाने पीने की जानकारी से अवगत कराया गया। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया। तो आप उसकी सूचना तत्काल जीआरपी और आरपीएफ को दीजिए, ताकि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। तथा भी किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ खाद्य पदार्थ, इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने कहा, हम लोग ट्रेनों की सुरक्षा के लिए स्पेशली मैंने अपने गोरखपुर में हम लोगों ने 6 टीमें बना रखी हैं, QRT प्लस AS चेक टीम है, जो ट्रेनों में और प्लेटफार्मों पे चेकिंग करते हैं, और हादसों को टालने के लिए कोई ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे या गैस सिलेंडर लेके कोई ट्रेन में न चले, इसके लिए हम लोग प्रॉपर चेकिंग करते हैं। और ऐसी कोई जानकारी मिलती है, कभी कभी ऐसी जानकारी मिलती है कि कोई लोग गैस सिलेंडर लेके जा रहे हैं जिसकी वजह से हादसा हो सकता है, तो सिलेंडर को उतार के हम लोग उसको प्रॉपरली सीज करके जमा कराते हैं आरपीएफ में। ये कार्रवाइयां होती रहती हैं, चेकिंग करते रहते हैं, किसी प्रकार कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर चले इसके लिए हम लोग अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं ट्रेनों में, प्लेटफार्मों पे लोगों को जागरूक करते हैं कि कोई ज्वलनशील पदार्थ लेके मत चलिए, जिससे ट्रेनों में जो हादसे हो रहे हैं वो कहीं पुनरावृत्ति न होने पाए। सर सबसे बड़ी बात है, बिहार से और मुंबई से लोग छठ मनाने बड़ी संख्या में आ रहे हैं, देखा जा रहा है चोरी छुपे लोग छोटा सिलेंडर रख ले रहे हैं, ऐसे में उन लोगों पर किस तरह कार्रवाई करें और ट्रेनों में किस तरह चेकिंग आप कर रहे हैं? नहीं, हम लोग ट्रेनों में कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ आरपीएफ में मुकदमे पंजीकृत कराए जाते हैं, और उन सिलेंडरों को बाकायदा कब्जे में लिया जाता है, और उनको सलाह भी दी जाती है तथा चेतावनी भी दी जाती है कि आप लोग भविष्य में ऐसा न करिए। सुरक्षा के लिए हम लोग प्रॉपरली चेकिंग कर रहे हैं। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा ट्रेनों में आ रही है, थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं ट्रेनों में चेक करने में, लेकिन फिर भी हम लोग पूर्ण रूप से चेकिंग करते हैं।
यात्रियों से क्या अपील करना चाहते हैं? यात्रियों से हम लोग अपील करते हैं कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या गैस सिलेंडर या कोई विस्फोटक पटाखे इत्यादि ये लेकर के ट्रेनों पे यात्रा